तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले जाकर फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आपने फिल्म देख रखी है। बाकी इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है कि ये फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, तो ऊपर आई बटन पर आपको इसका मूवी रिव्यू का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको देखकर आप तसल्ली कर सकते हैं। तो जैसा कि मूवी रिव्यू में भी मैंने आपको बताया था कि इस फिल्म में काफ़ी सारे हिडन मीनिंग्स हैं, तो उसको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ, और साथ ही हमें फिल्म में हमें देखने को क्या मिला उसको भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, इन सब की शुरुआत होती कहाँ से है, तो यहाँ पर ये जो दो कैरेक्टर हैं मेन कैरेक्टर, इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्योंकि नाम तो कोई है ही नहीं, तो जैसे फीमेल को हम लोग डब्लू नाम दे देते हैं और यहाँ पर मेल को एम, क्योंकि मैन विल बी मैन। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो डब्लू है वो निक के साथ, यानी कि अपने बच्चे के साथ एक जंगल में जाती है, जो कि हमें फिल्म में भी दिखाया गया है। तो वहाँ पर वो जाती है उस जगह पर, और वहाँ पर वो इसलिए जाती है ताकि वो अपनी थीसिस लिख सके, उसको कंप्लीट कर सके, और उससे बढ़िया जगह शायद और कहीं हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो पूरा जंगल से घिरा हुआ एकदम शांत चित्त जगह थी जहाँ पर वो अपनी थीसिस को बड़े आराम से लिख सकती थी, दुनिया भर की बातें सोच सकती थी, दुनिया भर की रिसर्च वगैरह भी कर सकती थी। और यही मुझे लगता है एक तरीके से मील का पत्थर तो साबित होती है, लेकिन उसकी बर्बादी के लिए। तो जैसे ही वहाँ पर वो जाती है, तो आपको इतिहास तो पता ही है कि इतिहास कैसा रहा है, और महिलाओं को लेकर इतिहास में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, क्या क्या उनके लिए बोला गया है, और जितनी भी किताबें हों या फिर रिसर्च पेपर्स हो, उनको लिखा किसने है, आदमियों ने। और आप सोच सकते हैं कि उस जमाने के लोगों की मेंटालिटी क्या थी महिलाओं को लेकर, और उनको क्या क्या नामों से, उनको किस तरीके से क्या 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 बोलते हैं उसे, प्रताड़नाएं दी जाती थी, और उनको क्या क्या दिक्कतें होती थी, तो उनको किस तरीके से हमें दिखाया जाता था, उन किस नज़रिए से उनको जज किया जाता था, मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं को लेकर इतिहास कैसा रहा है ये आप सबको पता ही है। तो जब ये वहाँ पर जाकर उन्हीं बुक्स से या फिर उन्हीं रिसर्च पेपर से जब रिसर्च करती है, अपनी थीसिस लिखती है, तो आपको क्या लगता है कि उसको क्या मिला होगा, और इसी बात का उस पर असर होने लगता है। जब वो थीसिस लिख रही होती है तो उसका मेन पर्पस होता है वुमेन एम्पावरमेंट, जहाँ पर वो महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखती और लोगों को जागरूक करती। पर यहाँ पर जिस तरीके से उसको किताबें पढ़ने को मिली, और जैसा वो धीरे धीरे जो आर्टिकल्स वगैरह हैं या फिर बुक्स वगैरह पर वो जो रिसर्च कर रही थी, जब वो पढ़ रही थी, तो वो सारी बातें उस पर हावी होती जा रही थी, जहाँ पर उसको ये पढ़ने जानने को मिला कि जो महिलाएं होती हैं वो ईवल होती हैं, बुरी होती हैं, डायन होती हैं, चुड़ैल होती हैं। तो इस तरीके से जो किताबें थी या फिर जो आर्टिकल्स थे उसको पढ़कर, वो जो बातें थी वो जो पढ़ रही थी, और वहाँ पर उसको समझाने वाला बताने वाला भी कोई नहीं था, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ गया उसके ऊपर, और ये चीज़ें धीरे 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 उस पर हावी होती जा रही थी। और यही वजह थी कि वो अपनी रिसर्च में, अपनी थीसिस को लिखने में इस कदर एक तरीके से उसके अंदर इतना डीप में घुस गई थी कि वो अपने बच्चे को गलत तरीके से जूता पहना देती है, जहाँ पर लेफ्ट का जूता राइट में और राइट का जूता लेफ्ट में पहना देती है, और वो इतना मगन हो चुकी थी अपनी रिसर्च वगैरह को करने में, अपनी थीसिस लिखने में, और उन सभी बातों को जो वो पढ़कर समझ रही थी, जान रही थी, तो उसमें वो इतना मग्न हो चुकी थी कि उसको ये याद ही नहीं रहा कि उसका जो बच्चा है उसको उसने गलत तरीके से जूता पहना दिया है, और वो बार बार रोता रहता था पूरे दिन भर, और उसको दर्द होता रहता था, लेकिन जो डब्लू है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि जो औरतें होती हैं या फिर महिलाएं होती हैं वो बुरी होती हैं, एवल होती हैं, और ये सब चीज़ें करने में उनको मज़ा आता है, और यही वजह थी कि वो अपने बच्चे पर ध्यान ही नहीं दे पाती है, और उसी वजह से बच्चे का जो पैर है वो फ्रैक्चर हो जाता है, और वो वहाँ से वापस तो आ जाती है कि लेकिन वो सारी बातें जो हैं वो या फिर वो सारी चीज़ें जो है उस पर हावी हो जाती हैं, और वो धीरे 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 मेंटली अनस्टेबल होती जा रही थी, वो अपनी रिसर्च भी पूरी नहीं कर पाती है, थीसिस भी कंप्लीट नहीं कर पाती है, और वापस आ जाती है। और यहाँ पर एक दिन जब एम और डब्ल्यू
फिजिकल हो जाते हैं और सेक्स करते रहते हैं। तो यहाँ पर वो साफ साफ देखती है कि उसका जो बच्चा है वो खिड़की के पास पहुँच गया है, और उसके बाद वो खिड़की के पास में पहुँच कर टेबल पर चढ़ जाता है, लेकिन वो सेक्स करने में इतना ज़्यादा मग्न हो जाती है। और यहाँ पर एम को तो कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर डब्लू साफ साफ देख रही होती है कि उसका बच्चा गिरने वाला होता है, गिर भी जाता है, लेकिन फिर भी उसके मुँह से एक आवाज़ नहीं निकलती है, क्योंकि वो जो उसका एक माइंड सेट बन गया था कि महिलाएं जो है वो बुरी होती हैं, एवल होती हैं, और उसी का उसने सबूत दिया, और वो जो चीज़ें उस पर हावी हो गई थी वो यहाँ से हमें पता चलती हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है, और एक तरीके से वो पूरी तरीके से पागल ही होती चली जा रही थी। और डॉक्टर्स उसको मना भी करते हैं एम को कि उसको दवाइयाँ देना ज़रूरी है, उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, पर एम जो कि खुद भी एक साइकोलॉजिस्ट था और वो लोगों को अपनी बातों से ठीक किया करता था, तो उसको ऐसा लगा कि मैं खुद ही उसको ठीक कर सकता हूँ और मुझे ये बाकी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, और उसको यहाँ पर रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से वो उसको लेकर वहाँ उसी जंगल में जाता है, जंगल के उसी घर में, उसको लगता है कि वहाँ ले जाकर शायद उसको वो ठीक कर सकता है, जो कि वो पूरी तरीके से गलत था। और यहाँ पर उसकी मेंटल स्टेट जो है वो पूरी तरीके से ख़राब होती चली जा रही थी, और यहाँ पर ये इस बात को समझने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं था कौन एम। और देखिए यहाँ पर होता क्या है फिल्म के एंड में, तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर डब्लू की मेंटल स्टेट खराब होती जा रही थी, तो पहले तो उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो घटना हुई यानी कि उसके बच्चे की मौत, वो कहीं ना कहीं उसी के एम के वजह से ही हुई, क्योंकि वो दोनों सेक्स में इतने ज़्यादा मग्न थे और इतना ज़्यादा उसमें घुस गए थे कि उनको वो नज़र ही नहीं आया कि बच्चा गिर गया। और उसी वजह से वो एंड में यहाँ पर एम को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है, उसके पैर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला भी कर देती है वो, यही सोचकर कि ये सब जो है ये एम की वजह से ही हुआ, अगर एम के साथ वो सेक्स नहीं करती और एम उसको सेक्स के लिए फोर्स नहीं करता तो शायद उसका बच्चा जिंदा होता। लेकिन जब वो बाद में वो